इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज बेलगाम शहर में किसानों की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। किसानों का कहना है कि जो बिल किसानों की जमीन को लेकर मंजूर किया गया है यह किसान मुखालिफ है, लिहाजा एक बार फिर अमीर सरमायेदारों की गुलामी की तरफ ले जाने वाला बिल है। पहले किसान अपनी जमीन किसान को ही बेचा करते थे, लिहाजा नए कानून के मुताबिक जमीन को किसी भी शख्स को बेचा जाएगा। इस कानून के पीछे मोदी हुकूमत की यही साजिश है कि जो किसान अपनी जमीन पर सब्जी अनाज उगाता है उस जमीन को अंबानी जैसे अमीर सरमायेदार खरीदेंगे। जिस जमीन पर किसान खुद मालिक हुआ करता था उसी जमीन का वो नौकर बन जाएगा। इसी तरह से एपीएमसी का नया कानून भी किसानों की मुखालिफत करता है। कुल मिलाकर किसानों को अपनी जमीनों से बेदखल करने का कानून मोदी हुकूमत की जानिब से पास किया गया। वाजह रहे कि विपक्ष की जानिब से सख्त मुखालिफत के बावजूद भी इस बिल को जबरन या मनमानी के तौर पर पास किया गया। किसानों का कहना है कि अगर अमीर लोग जमीनों को खरीदेंगे तो जाहिर है किसान अपनी ही जमीन का मालिक से नौकर बन जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मनमानी फैसले लेने पर मोदी हुकूमत क्यों तुली हुई? आखिर देश के हर शहरी या किसान मजदूरों की मुखालफत में ऐसे कानून पास क्यों किए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का फायदा हो रहा है? पूरे मुल्क में किसानों ने एहतजाज किया पर मोदी हुकूमत आज भी अपने फैसलों पर अटल है। अगर भारत को किसानों का देश कहा जाता है और जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है तो उस देश में आखिर किसानों पर जुल्म की इंतहा क्यों की जा रही है? वो किसान जो तपती धूप धुआंधार बारिश में बीज बोकर अनाज उगाता है जिसे हम अपने डाइनिंग टेबल पर सजा कर खाते हैं, आखिर इसे भूखा मारने पर हुकूमत क्यों तुली हुई है? और ना सिर्फ किसान बल्कि भारत के हर महकमों का निजीकरण कर अमीर अडानी अंबानी के जेब क्यों भरे जा रहे हैं? असल मुद्दों से ये हुकूमत क्यों भटका रही है और गरीबों का हक क्यों मारा जा रहा है? आज किसानों ने यह भी कहा कि देश अगर आज इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहा है, मोदी हुकूमत भले ही कोरोना के आड़ में अपना छुपा एजेंडा चला रही हो पर अब देश का हर फर्द मोदी हुकूमत की चालबाजी को समझ चुका है। लिहाजा आज भगत सिंह का यौम पैदाइश है और अब भारत एक नई जंग आजादी लड़ने जा रहा है, ऐसे भी किसानों ने कहा। भले मोदी हुकूमत हिटलर की तरह मनमानी कर रही हो, हर दौर के हिटलर को उसका आखिरी अंजाम भी याद रखना चाहिए। आज एक किसान ने यह भी कहा कि आग अब लग चुकी है, जल्द शोरों में तब्दील होने वाली है। देखना यह कि मोदी हुकूमत देश की भलाई के फैसले लेती है या इसी तरह मनमानी फैसलों के जरिए देश को शोलों के हवाले करती है। किसानों के मुख्तलिफ तंजीमों के सैकड़ों अफराद स्वर्ण सौदा तक चलते हुए एहतजाजी जुलूस निकाला और आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर रिहा किया। बेलगाम शहर परेशानी मुसीबतों का शहर बनता जा रहा है और खासकर जब से स्मार्ट सिटी के कामों की शुरुआत हुई है आवाम की परेशानियों में इजाफा ही होता जा रहा है। सहूलत कम और मुसीबतें ज्यादा के मिस्दाक काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सभी चाहते हैं कि शहर स्मार्ट हो यानी निहायत खूबसूरत हो पर खूबसूरती के नाम पर बदसूरती का मुजारा हो तो लिहाजा यही तजुर्बा बेलगाम वालों को होता दिखाई दे रहा है। आपको सीबीटी तक भी पहुंचना है तो काफी लंबा चक्कर काट कर पहुंचना पड़ रहा है। अगर खड़े बाजार भी जाना है तो कई सारी गली मोहल्लों से होकर आखिर शहर के अंदरूनी बाजार में पहुंच सकते हैं। कहां पर सड़क बंद है और कहां पर सड़क जारी है का कोई बोर्ड या तख्ती आपको नजर नहीं आएंगे। किसी भी शहर में ऑटो वालों को तकरीबन सड़कों का इल्म रहता है पर बेलगाम शहर में ऑटो वालों को भी मालूम नहीं रहता कि कहां से सड़क बंद है और कहां चालू है। कहने का मतलब यह है कि यह कौन सा स्मार्ट वर्क किया जा रहा है जो आवाम को ना तो भरोसे में लिया जा रहा है और ना ही इसकी इत्तला कोई दी जा रही है। यहां तक मामूली बोर्ड तक नहीं लगाया जाता कि आगे सड़क बंद है या नहीं। अक्सर लोग तवील चक्कर काट कर वापिस आ जाते हैं। इन्हीं चक्कर काटने में बेलगाम वालों का दिन निकलता जा रहा है। अक्सर सड़कें आधी अधूरी तवील अरसे से बंद रहती है। क्या स्मार्ट सिटी महकमा इस बात का जवाब दे सकता है कि क्यों हर सड़क को आधी अधूरी छोड़कर दूसरी तरफ कामों को शुरू किया जा रहा है? कई जगहों पर गटारों की तामीर भी आधी अधूरी दिखाई देती है। लिहाजा बेलगाम की आवाम
तरक्कियाती कामों से परेशान है। स्मार्ट सिटी के कामों के अफसरान को चाहिए कि जल्द तवज्जो देकर कामों को मुकम्मल करने की जहमत। मच्छे डबल मर्डर का अब तक खुलासा नहीं, पुलिस तहकीक जारी है इसके पीछे की कहानी। बरो शनिचर दो सहेलियों के कत्ल ने शहर और अतराफ में सनसनी फैला दी थी। आखिर इस कत्ल के पीछे क्या कहानी है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। किस वजह से ये दो कत्ल किए गए हैं, इसकी भी पुलिस तहकीक जारी है। पर हासिल इत्तला के मुताबिक ये दोनों सहेलियां कल्याणट्टी गांव की थी, जो सिर्फ दो हफ्ते पहले मच्छे गांव में आकर रह रही थी। कत्ल हुई लड़कियों में से एक हामिला थी, जिसको गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए गांव वालों की जानिब से एतराज किया गया था। पर आखिर में पंच लोगों के दखल से अंतिम संस्कार किया गया। कत्ल हुए दोनों रोहिणी और राजश्री ने मोहब्बत करके शादियां रचाई थी। कई सालों से वह दोनों कल्याणट्टी गांव में ही रहती थी, लिहाजा सवाल यह उठता है कि आखिर क्या बात हुई जिससे दोनों ने गांव छोड़ा, और कौन थे वो कातिल जिन्होंने इन पर नजर रखी थी। लेकिन यह जरूर है कि मक्तूल और कातिल के दरमियान कुछ कहानी छिपी हुई है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। अवाम में आज भी यह मामला जेर बहस है कि आखिर कत्ल क्यों किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।